हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड टीचर की सैलरी की। यूपीएलटी ग्रेड टीचर की सैलरी कितनी होती है, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है। तो जो कैंडिडेट दोस्तों सेलेक्ट हो जाते हैं अंडर यूपीएलटी ग्रेड रिक्रूटमेंट 2021 में, उन्हें सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक की रेंज में मिलेगी। साथ ही साथ ग्रेड पे मिलेगा 4,800 रुपये का और अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं इस में पे स्केल की, तो पे स्केल तो मैंने बताया आपको 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तक रहेगा। ग्रेड पे कुछ 4,600 रुपये रह सकता है। बेसिक पे आपको मिल सकती है 17,140, सीपीसी 44,906, एचआरए 3,428, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,600 और ग्रॉस पे रह सकती है आपकी 49,934 रुपये। तो इस तरीके से रहता है। यूपी एलटी ग्रेड टीचर की कट ऑफ की अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखिए जनरल वालों की 120 से 125 तक रहती है। कहीं ना कहीं जनरल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करनी चाहिए अगर जनरल वाले हैं आप। ओबीसी में 100 से 110 के बीच में रह सकती है। एससी वालों की 85 से 90 और एसटी वालों के लिए 65 से 70 में भी काम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, जनरल स्टडी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताब बेस्ट रहती हैं। तो देखिए, जनरल नॉलेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट बुक है ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट की बुक आराम से मार्केट में आपको मिल जाती है और इस बुक को पढ़कर आपकी जनरल स्टडीज़ अच्छी हो जाएगी, जीएस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। आप लोगों को इतनी मतलब एक तरीके से जो MCQs आ सकते हैं और आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं। जनरल स्टडीज़ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो देख लीजिए, हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, भारत का इतिहास आ सकता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आ सकते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज से क्वेश्चन आता है, एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी इंडियन इकोनॉमी से, सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन एग्रीकल्चर से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, कहाँ तक, क्लास टेंथ टेंथ लेवल की, टेंथ लेवल तो आपको मैथ्स आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, कहीं ना कहीं उसमें अगर मैथ पूछे जाती है तो कहीं ना कहीं टेंथ लेवल तक तो आपको आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है दोस्तों। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है कि क्या यूपीएलटी ग्रेड टीचर का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उत्तर प्रदेश का परमानेंट डोमिसाइल होना ज़रूरी है क्या, मैंडेटरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर अदर स्टेट के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। परंतु इसमें क्या है कि जिसके पास डोमिसाइल यूपी का है उसे तो एज क्राइटेरिया और अदर एलिजिबिलिटी फैक्टर्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, पर जो डोमिसाइल जिसके पास यूपी का नहीं है, अदर स्टेट का बंदा है, डोमिसाइल नहीं है उसके पास होता है, तो कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे एक तरीके से। दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको देता है अच्छी नॉलेज, कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।